हेलो एवरीवन, आई एम साकेत बाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम हेरोडोट। द क्वेश्चन सेज अ स्मॉल बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, देन द स्फीयर इज इम्पार्टेड अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन डब्ल्यू नॉट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द बॉडी बिगिंस स्लाइडिंग डाउन। फाइंड द, देयर आर टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज the velocity of the body relative to the sphere at the moment of break off, and the second part is the angle theta naught between the vertical and the radius vector drawn from the center of the sphere to the break off point. Calculate theta naught for w naught equal to g. तो देखिए बच्चों, सवाल को समझते हैं। बेसिकली सवाल में ये दिया है ना कि एक बॉडी जो है ना वो प्लेस्ड है ऑन द टॉप ऑफ अ स्मूथ स्फीयर, है ना। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बॉडी यहां पर टॉप ऑफ द स्मूथ स्फीयर पर प्लेस थी। रेडियस आर दे रखा है स्फीयर का। अब ये जो स्फीयर है उसको इम्पार्ट करा गया है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन डब्ल्यू नॉट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये देखिए, यहां पर डब्ल्यू नॉट इसे लेफ्ट की तरफ मैंने दिखा रखा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बॉडी थी है ना, इट हैज स्टार्टेड टू स्लिप डाउन, और ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, इस तरीके से नीचे आती जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द स्फीयर एट द मोमेंट ऑफ ब्रेक ऑफ। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब क्या होगा, जब ये जो बॉडी है वो इस स्फीयर से ब्रेक ऑफ कर जाएगी। ब्रेक ऑफ कर जाने का मतलब जो है वो ये होता है बच्चों कि जब नॉर्मल रिएक्शन है ना, पहले केस में हमें क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करवाना है ना। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आखिरी बार रहे, क्लियर है ये बात। तो उस समय के बारे में हमें चर्चा करनी है कि उस समय ये जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द स्फीयर कितनी थी। और सेकंड पार्ट में पूछा है द एंगल थीटा नॉट बिटवीन द वर्टिकल एंड द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द ब्रेक ऑफ पॉइंट, है ना। तो हमारे को क्या करना है, देखिए मैं यहां पर एरोज बना करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए बच्चों, कुल मिलाकर के हमसे ये वाला एंगल पूछा गया ना, ये एंगल को यहां पर थीटा नॉट कहना है ना। तो थीटा नॉट जो है वो क्या है, इट इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द वर्टिकल, ये स्ट्रेट लाइन, एंड द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द ब्रेक ऑफ पॉइंट। ये रहा ना ब्रेक ऑफ पॉइंट, जहां पर मैंने माना है कि ये ब्रेक ऑफ कर रहा है, ठीक है। और हमें थीटा नॉट की वैल्यू निकालनी है फॉर डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जी, जब डब्ल्यू नॉट जो क्या हो, जी के बिल्कुल बराबर हो जाए ना, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम हो, क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, सबसे आसान रहेगा इस सवाल को सॉल्व करना अगर मैं स्फेयर के नजरिए से ही बात करूं तो, है ना। तो मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा सेटअप है ना, ये जो पूरा का पूरा, ये जो लेटस है, ये जो पूरा का पूरा सेटअप है, ये मान लेते हैं कि लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेटेड है डब्ल्यू नॉट एक्सेलरेशन से। तो अगर मैं इसी फ्रेम पर बैठ जाऊं ना, मान लीजिए कि यहां पर मैं बैठ गया, तो आप समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या दिख रहा होगा, मुझे ये स्फेयर जो है वो रेस्ट पर दिखाई दे रहा होगा, क्लियर है। तो अब मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम के नजरिए से ही बात करना चाह रहा हूं, है ना। और मैंने क्या अज्यूम करा है कि ये पूरा सरफेस और ये स्फीयर, ये सब एक साथ एक सिस्टम है, और जो कि पूरा का पूरा डब्ल्यू नॉट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। तो अब आप जानते ही हैं कि अगर हम लोग एक ऐसे फ्रेम से बात करेंगे जो कि एक्सेलरेटेड है ना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें जरूरत पड़ती है कौन से एक्स्ट्रा फोर्स को लगाने की, स्यूडो फोर्स, है ना। तो मुझे इस पर क्या लगाना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, है ना। और इस स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, तो स्यूडो फोर्स है ना, इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली हो जाएगा मास ऑफ द बॉडी जिस पर हम लोग लगा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मतलब कि डब्ल्यू नॉट। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो यहां पर हमारे को दिखाना होगा एक फोर्स एम डब्ल्यू नॉट के बराबर, क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में सबसे पहले हम लोग यूज करना चाह रहे हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो आप देखिए, ये जो हमारे पास जो ब्लॉक है ना, ये जो छोटा सा ब्लॉक है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एम जी लगेगा, फिर ये स्यूडो फोर्स हम लोगों को लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक ऐसे फ्रेम से बात कर रहे हैं जो कि एक्सेलरेटेड है ना। मैंने ये माना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है लेफ्ट की तरफ डब्ल्यू नॉट एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमारे को इन सारे फोर्सेस का वर्क डन देखना होगा। तो वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहां पर देखिए एमजी ने कितना वर्क डन करा, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना नीचे आया, एक्स नीचे आया, तो हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे कि एक्स की वैल्यू सबसे पहले कितनी हो जाएगी, एक्स विल बी इक्वल टू, ये आर है ये भी आर है, तो आर माइनस आर कॉस थीटा नॉट, है ना, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा नॉट के बराबर, क्लियर ही बात। तो अब देखिए एक्स हमारे को मिल गया है ना, तो हम लोग यहां पर देखिए वर्क डन बाय एमजी कितना लिख सकते हैं, वर्क डन बाय एमजी जो है वो हो जाएगा एमजी इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा नॉट। अब नॉर्मल हमेशा आप समझ पा रहे हैं कि रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसका मोशन कैसा हो रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। अगर हम लोग इस इंसान के नजरिए से देखें तो नॉर्मल हमेशा रेडियली आउटवर्ड, और जो बॉडी का मोशन है वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंट और रेडियस इनके बीच में तो एंगल 90 डिग्री होता है, तो नॉर्मल की वजह से वर्क डन जीरो आएगा, प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स अगर लिखना है तो स्यूडो फोर्स तो कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए एम डब्ल्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस इसने कवर करा इन द राइट डायरेक्शन, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में आर साइन थीटा नॉट डिस्टेंस इसने कवर करा है, तो यहां आर साइन थीटा नॉट लिख देते हैं। अब शुरुआत में तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जब फोर्स लगना शुरू ही हुआ इस पर, है ना, इस इंसान के नजरिए से जब स्यूडो फोर्स लगना शुरू ही हुआ तब तो इसकी स्पीड जीरो थी शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में बी बराबर जीरो था। अब इस समय हम लोग मान लेते हैं कि इसकी स्पीड लेटर से कुछ बी हो गई, तो दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैंने कितनी कह दी, हाफ एम वी स्क्वायर कह दी अपने रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं एक ऐसे फ्रेम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, है ना, जो कि खुद क्या है, एक्सेलरेटेड है। ऑलराइट, तो ये तो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से ये इक्वेशन निकाली है। ऑलराइट, तो एक और इक्वेशन हम लोग यहां पर लगा सकते हैं बच्चों, और वो इक्वेशन कौन सी है, फोर्स की इक्वेशन है। तो यहां पर देखिए जब एंगल कितना हो गया, थीटा नॉट हो गया ना, यहां पर मैं एक डायग्राम बना देता हूं, तो इस डायग्राम को देख करके बच्चों हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं कि नेट सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो कितना हो जाएगा। आइए सोचते हैं, इस वक्त जब थीटा की वैल्यू थीटा नॉट हो गई तब हमें नॉर्मल को क्या रखना है, जीरो रखना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि mg का एक कंपोनेंट, दैट इज mg का कौन सा कंपोनेंट, mg का cos ऑफ थीटा नॉट कंपोनेंट, माइनस यहां पर हमें क्या घटाना होगा, mw नॉट का कौन सा कंपोनेंट, ये हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये sin थीटा नॉट कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, तो यहां लिख देते हैं mw नॉट sin थीटा नॉट। ये किसका रोल प्ले कर रहा है, इट इज एक्चुअली प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स, है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है, एक तो फोर्स की इक्वेशन और एक एनर्जी से इक्वेशन आई है ना, तो अब हम लोग जो है इनको सॉल्व करके देखते हैं ना। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि वी स्क्वायर, है ना, हम लोग यहां पर वी स्क्वायर निकाल सकते हैं कितना आएगा, तो वी स्क्वायर कैसे निकाले, तो ये जो हमने पहली इक्वेशन निकाली थी ये तो दूसरी इक्वेशन है ऊपर वाली, तो पहली इक्वेशन से हम लोग वी स्क्वायर कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखिए यहां m m और m कैंसिल आउट हो गए, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2w नॉट r sin थीटा नॉट प्लस g टाइम्स r 1 माइनस cos ऑफ थीटा नॉट के बराबर, है ना, और ये जो 2 है ये बाहर रहेगा कॉमन, ठीक है। तो यहां से देखिए हमें वी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। अब इसको और अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, आइए देखते हैं, ये बन जाएगा देखिए ट्वाइस ऑफ, है ना, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू नॉट आर साइन ऑफ थीटा नॉट प्लस जी आर माइनस जी आर कॉस ऑफ थीटा नॉट के बराबर, क्लियर है बात। तो अब देखिए इसको अगर और हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ जी आर, है ना, ट्वाइस ऑफ जी आर माइनस ट्वाइस ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय जी कॉस थीटा नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट के बराबर, ठीक है। अब जरा दूसरी इक्वेशन को देखिए, तो दूसरी इक्वेशन से जो है हमारे को जी कॉस थीटा नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट साइन थीटा नॉट की वैल्यू मिल सकती है ना, जी कॉस थीटा नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट साइन थीटा नॉट कितने के बराबर हो जाएगा, तो एम से एम चला गया, तो ये देखिए वी स्क्वायर बाय आर के बराबर आ रहा है, क्लियर है ये बात। तो यहां पर मैं इस पूरे के पूरे टर्म को, है ना, इस पूरे के पूरे टर्म को
मैं वी स्क्वायर अपॉन आर से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो सिंपली आ जाएगी 2gr माइनस 2r मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो यहां देखिए बच्चों, r से ये r कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, 3v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ g इनटू r। तो यहां से देखिए v बराबर हमारे पास कितना आ गया, अंडर द रूट ऑफ 2gr अपॉन 3 आ गया ना। तो ये हो गया बच्चों हमारे पहले पार्ट का जवाब, क्लियर है। और पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, स्पीड पूछा गया था, है ना। तो देखिए पहला पार्ट में आपको दिखा दूं, पहले पार्ट में हमसे पूछा गया था द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू द स्फेयर, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने स्फेयर के रिलेटिव ही तो बात करी है, क्योंकि हम लोग इसी के फ्रेम पे, है ना, इसी के फ्रेम से बैठ करके इसको देख रहे थे, क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया, द एंगल थीटा नॉट, है ना, ये जो थीटा नॉट एंगल है ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है फॉर डब्ल्यू नॉट इक्वल टू जी। तो चलिए बच्चों, अब हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करके जो है ना, ये तीन इक्वेशंस हमने फाइंड आउट करी है, इन तीन इक्वेशंस की मदद से जो है अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, थीटा नॉट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन नंबर टू है उसका इस्तेमाल करते हैं ना। इक्वेशन नंबर टू क्या है, जी कॉस थीटा नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू हमारे को मालूम है ना, वी स्क्वायर अपॉन आर की जो वैल्यू है वो हम लोग कितनी कह सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर विल बी इक्वल टू 2g बाय 3 के बराबर। तो चलिए इसे लिख देते हैं, जी कॉस थीटा नॉट माइनस डब्ल्यू नॉट साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी स्क्वायर अपॉन आर को लिख सकते हैं हम लोग 2g बाय 3 के बराबर, क्लियर है यहां तक। तो चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा 3g cos ऑफ थीटा नॉट माइनस 3w नॉट sin ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू 2g के बराबर, है ना। अब एक काम करते हैं बच्चों, दोनों तरफ ना हम लोग g से डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहां पर भी g से, इसे g से और इसे भी g से, इससे थोड़ी सिंप्लिसिटी आ जाएगी। एक्चुअली अगर w नॉट अपॉन g को मैं कुछ नाम दे दूं, लेट मी कॉल इट ईटा, है ना, मैंने इसे ईटा कॉल कर दिया, तो देखिए जो इक्वेशन है वो काफी सिंपल हो जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, 3 cos थीटा नॉट माइनस 3 ईटा sin ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू 2 बन जा रहा है, क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हम लोग अब फर्दर क्या कर सकते हैं, sin थीटा नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा नॉट इट कैन बी रिटन एज अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नॉट के बराबर, जिससे मैं समझ पा रहा हूं कि यहां पर हमारे को cos थीटा में क्वाड्रेटिक मिल सकती है, क्लियर है। तो देखिए बच्चों ऐसा करने पर क्या मिल जाएगा हमारे को, 3 cos ऑफ थीटा नॉट माइनस, यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस 3 ईटा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नॉट इज इक्वल टू 2। और अगर मैं थोड़ा रीअरेंजमेंट कर दूं तो क्या लिख दूंगा, 3 cos थीटा नॉट माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ईटा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नॉट के बराबर, क्लियर है ये बात। तो अब देखिए यहां से हम लोग फर्दर क्या बोल सकते हैं, अगर मैं cos थीटा नॉट को, है ना, cos थीटा नॉट को कुछ नाम दे दूं, लेट मी कॉल इट y, है ना, तो हमारे पास इक्वेशन कैसी बन जा रही है, फिलहाल हमारे पास इक्वेशन बन जा रही है 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ईटा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो अब बच्चों अगर हम लोग दोनों तरफ क्या कर दें, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हमारे को क्या मिल जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 टू 4 3 12 12y इज इक्वल टू 9 ईटा स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर, क्लियर है। तो यहां से देखिए फर्दर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12y इज इक्वल टू 9 ईटा स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस 9 ईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर है। तो अब हम लोग देख पा रहे हैं कि वाई स्क्वायर का फाइनली कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 प्लस 9 ईटा स्क्वायर, क्लियर है, फिर आ जाएगा माइनस 12y, और आखिरी टर्म क्या बचेगा, प्लस 4 माइनस 9 ईटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हमने सोचा था वैसा एक फॉर्म हो रहा है ना। तो यहां से हम लोग y की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, y जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, cos थीटा नॉट, है ना, वो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए ये आ जाएगा माइनस b मतलब 12 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, है ना, अंडर द रूट ऑफ में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए हम लोग लिखेंगे बी स्क्वेयर मतलब कि 144, बी स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 9 ईटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 9 ईटा स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, और इस पूरे को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए मतलब कि 9 प्लस 9 ईटा स्क्वायर से। तो चलिए बच्चों इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा ये 12 प्लस माइनस, अब यहां पर क्या लिख दें, अंडर द रूट के अंदर देखते हैं क्या क्या टर्म्स आ रहे हैं ना, तो यहां पर हम लोग देखिए लिख सकते हैं 144 माइनस 4 टाइम्स, यहां पर 9 प्लस 9 ईटा स्क्वायर है और 4 माइनस 9 ईटा स्क्वायर है, क्लियर है बात। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा पहला टर्म आ जाएगा 4 इंटू 9 36, है ना, तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देते हैं सबसे पहले, तो ये बन जाएगा 144, ठीक है। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू 9 36, 36 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, माइनस 9 ईटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, 36 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो ये हो जाता है एक्चुअली 324, तो ये हो जाएगा प्लस 324 ईटा स्क्वायर। फिर अगला टर्म क्या आ जाएगा माइनस 36 ईटा स्क्वायर, तो माइनस 36 ईटा स्क्वायर को हमें फर्दर किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, है ना, तो ये बन जाएगा माइनस 144 ईटा स्क्वायर। और जो आखिरी टर्म है वो क्या हो जाएगा माइनस 36 ईटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 ईटा स्क्वायर, है ना, तो ये तो प्लस बन जाएगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा प्लस 324 ईटा टू द पावर 4। इसके अलावा बच्चों हमारे को पूरे के पूरे न्यूमरेटर को, है ना, किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है यहां पर 2 टाइम्स 9 टाइम्स 1 प्लस ईटा स्क्वायर से, क्लियर है ये बात। तो देखते हैं ये फर्दर सिंप्लीफाई हो पा रहा है क्या, बिल्कुल हो पा रहा है, यहां पर 144 में से ये 144 कैंसल आउट तो होता हुआ दिख ही रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि 324 ईटा स्क्वायर में से 144 ईटा स्क्वायर घटाएंगे ना, तो ये 180 ईटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए ये क्या बन जा रहा है 12 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, है ना, अब क्या क्या टर्म्स आ जा रहे हैं, तो ये देखिए पहला टर्म आ जाएगा 180 ईटा स्क्वायर, और अगला टर्म आ जाएगा प्लस 324 ईटा टू द पावर 4, है ना, और इस पूरे को हमें सिंपली डिवाइड कर देना है किससे, 2 into 9, है ना, 2 into 9 into 1 प्लस ईटा स्क्वायर से, क्लियर है। अब देखिए बच्चों ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा, है ना, कैसे होगा ये देखते हैं, 12 प्लस माइनस, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं 36 को, तो 36 इनफैक्ट 36 ईटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 36 ईटा स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो ये क्या बन जाएगा, पहला टर्म तो हो जाएगा 5 और अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला टर्म हो जाएगा 9 ईटा स्क्वायर, ठीक है, और इसको हमें अगेन पता ही है डिवाइड करना है किससे, 2 into 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ईटा स्क्वायर से, क्लियर है बात। तो यहां पर देखिए फर्दर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 प्लस माइनस 36 ईटा स्क्वायर से हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 ईटा बन जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 5 प्लस 9 ईटा स्क्वायर, ठीक है, और अगेन हमें पूरे को डिवाइड किससे करना है, हमारे को इसे डिवाइड करना है 2 into 9 into 1 प्लस ईटा स्क्वायर से। तो देखिए काफी चीजें यहां पर कैंसिल आउट होने वाली है, तो यहां पर क्या क्या कैंसिल आउट होगा, तो 2 9 18, है ना, और यहां पर 12 और यहां पर 6 है, तो 6 फिर 6 2 12 और ये हो जाएगा 6 3 18, है ना। तो देखते हैं बच्चों कि ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कॉस थीटा नॉट की वैल्यू यहां से क्या आ जा रही है, 2 प्लस माइनस ईटा अंडर द रूट ऑफ 5 प्लस 9 ईटा स्क्वायर, और इस पूरे को हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है,
किससे डिवाइड कर देंगे, इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ईटा स्क्वायर से, क्लियर ही बात। तो अब हम लोग यहां पर देख पा रहे कि ईटा की वैल्यू है ना, ईटा की वैल्यू हमारे को इस सवाल में क्या रखनी है, ईटा की वैल्यू हमारे को इस सवाल में 1 रखनी है। तो हम लोग ऐसे देख पा रहे कि यहां पर अंडर द रूट ऑफ है ना, ये वाला जो टर्म है ये 5 से तो बड़ा ही है ना, 5 से बड़ा है और ईटा भी कैसा है 1 है। तो यहां पर हम लोग प्लस और माइनस दोनों का यूज नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ कौन सा सेलेक्ट करेंगे, प्लस यूज करेंगे, क्योंकि माइनस सेलेक्ट करने पर ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसीलिए कॉस थीटा नॉट की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 प्लस ईटा अंडर द रूट ऑफ 5 प्लस 9 ईटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ईटा स्क्वायर, क्लियर ही बात। और अगर इस सवाल के आखिरी पोर्शन को देखें तो उसमें हमसे बोला गया था कि ईटा की वैल्यू को क्या रखने के लिए, ईटा की वैल्यू को 1 रखने के लिए। तो अगर ईटा की वैल्यू को 1 रखेंगे तो यहां से देखिए कॉस थीटा नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस अंडर द रूट ऑफ 9 प्लस 5 14 हो जाएगा अपॉन 3 टाइम्स 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से एक्चुअली जो थीटा नॉट की वैल्यू आएगी वो लगभग आती है 17 डिग्री। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्लियर है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।